तो सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दीजिए। जी इंट्रोडक्शन सर, माइसेल्फ प्रेम प्रकाश ओके फ्रॉम जीसी अरवल कॉलेज एंड आई एम बिलोंग टू गया डिस्ट्रिक्ट एंड माय ब्रांच इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, डिप्लोमा कहाँ से किए थे? सर जीपी सीतामढ़ी से। सर जीपी सीतामढ़ी से। ओके, आपने लैटरल एंट्री में कितना स्कोर किया? सर जनरल 2200 सर और ईबीसी था सर 1100 कुछ। ओके, और डिप्लोमा कौन सा ब्रांच था? मैकेनिकल सर। और इसमें कौन सा ब्रांच लिए हैं बीटेक में? मैकेनिकल। मैकेनिकल। आपने प्रिपरेशन सेमेस्टर एग्जाम के दौरान किया था या फिर आपका गैपिंग? सेमेस्टर दौरान के साथ किए थे सर। सेमेस्टर एग्जाम तो उसमें आपको कई सारे डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा होगा, तो उसको आप कैसे टेकल किए थे? डिफिकल्टीज थी सर, डिफिकल्टीज थी तो वैसे धीरे धीरे, मतलब कि ज्यादा ज्यादा इस पे फोकस नहीं करते थे सर। मतलब 2 घंटा ही ज्यादा पढ़ते थे, 2 घंटा मैक्सिमम पढ़ते थे, बाकी टोटल भी फोकस करते थे उधर टेक्निकल की ओर। अच्छा, अपना सेमेस्टर पे फोकस करते थे। जी तो कितने दिन पहले आपने स्टार्ट किया था इसको प्रिपेयर करना? वही आपका बैच आया था सर, उसी में मैसेज उसे आया था, फिर उसके बाद हम लिंक से ज्वाइन हुए थे, फिर वही आपका फिर चला था सेशन, वही इंग्लिश इंग्लिश चला था। उसमें मैथ का तैयारी किए कहाँ थे सर? मैथ उतना तैयारी नहीं किए थे, मैकेनिक्स और इंग्लिश यही दो था सर, उसी से रिजल्ट हुआ शायद लग। ताकि मैथ मात्र हम सर उसमें थी मैट्रिक्स 2 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बनाए थे, बाकी फिर लगता 3-4 क्वेश्चन हम मैकेनिक्स का बनाए थे और इंग्लिश फिर 17 को इंग्लिश सही किए थे सर। ओके, तो मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा किस टॉपिक को आपने फोकस किया? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को। उसे कितने क्वेश्चन देखने को मिला था एग्जाम में? 6 या 7 सर, इसे 6 या 7 क्वेश्चन देखने को मिला था। और मैकेनिक्स में मैट्रिक्स आपने किया था। इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक्स का आपने क्वेश्चन जो है अटेंड किया था एग्जाम में? सिमली था सर, सिमली पूरा पूरा देखे हुए थे, फिर एंटोनिम्स से रिलेटेड था, सिनोनिम से रिलेटेड था, और उसके बाद फिर एक्टिव वॉइस था, पैसिव वॉइस था, नारेशन था, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, ये सब सर आप पढ़ाए थे सर। तो आपने एग्जाम में अटेम्प्ट किस पैटर्न पे किया था? मैंने जो टॉपिक्स आ रहा है उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स का आपने किया था? क्योंकि मैंने तो पढ़ाया था बहुत सारा टॉपिक, अप्रोक्स 10 से 12 टॉपिक्स मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, तो उसमें आप कितने टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सिमली टोटल अटेम्प्ट किए थे सर, ब्लैक बोला जी ये वाला था, तो ये सिमली टोटल अटेम्प्ट किए थे, कहा कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन सिमली से पूछा गया था, तो लगता है कि 6 सिमली तो ऐसे ही 5 सिमली पूछा गया था, 5 का 5 सिमली सही था सर। और उसके बाद फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, एक आ रहा था सर हमको, और फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और शायद याद नहीं सर, ऐसा ही कुछ कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चंस आया था उससे नहीं बनाया? जी 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 कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन आया था सर। तो इस बार जो है बहुत ज्यादा टाइम दिया जा रहा है सेमेस्टर, और एग्जाम तो इस बार 23 जून को खत्म हो जाएगा और लैटरल एंट्री एग्जाम 1 महीना बाद 25 जुलाई को होने वाला है, तो उन लोगों को कैसे तैयारी करना चाहिए आप अपने अनुसार कुछ गाइड कर सकते हैं? ती अभी तो सर हमें तो लगता है कि अभी सिर्फ बेसिक फोकस होना चाहिए अथी पर सेमेस्टर पर, का कि अभी तो टाइम है इसके लिए सर, है कि 20 दिन या फिर 30, 1 मंथ भी बहुत है सर एली के लिए। तो कैसे उनको प्रिपेयर करना चाहिए? मान लीजिए कि 23 जून के बाद उनका एग्जाम खत्म हो जाएगा,
तो उसके बाद वो कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो उसके लिए तो सर 1 मंथ है, तो फिर हाँ सर 1 मंथ में हो जाएगा सर, यदि मतलब कि दोनों यदि लेके चलें मैकेनिक्स और मैथ दोनों लेके चलें तो सर तब तो सर टाइम लगेगा सर। हम लोग में तो सर बहुत कम समय था, तो मतलब हम सिर्फ मैकेनिक्स पर फोकस किए थे, क्योंकि मैकेनिक्स मैकेनिकल में पढ़ना भी था सर, मैकेनिक्स पढ़ना भी था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन में भी पढ़ना था मैकेनिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स में भी पढ़ना है मैकेनिक्स, सारी चीजें में तो मैकेनिक्स ठीक ठाक था सर, इसलिए हम मैकेनिक्स को लेकर चले थे। अब बात रहा फिर सर कि अभी तो समय है सर, मतलब कि अभी अभी फिलहाल के लिए तो सब मतलब कि जूनियर्स लोग को यही कहना चाहूंगा कि अभी सब सेमेस्टर पर फोकस करें नहीं, और उस वो अभी नहीं, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम। सेमेस्टर एग्जाम के बाद वो मतलब एक टाइम शेड्यूल होगा ना कि हाँ ऐसे पढ़ा जाए, वो मैं पूछ रहा हूँ। जी सर, तो उसके बाद तो सर उनके पास तो फ्री टाइम ही रहेगी ना सिर्फ, हाँ तो फ्री टाइम ही रहेगी तो सिर्फ इसी पे ही, यदि जिनको एकदम करना ही है एनी हाउ बीटेक करना ही है तो वो तो सर एकदम इसी पे लग जाए। नहीं, जैसे एक होता है ना कि अगर कोई सीनियर है वो अगर इस तरीके से गाइड करेगा तो ज्यादा हेल्प हो जाएगा, तो उस पैटर्न में आप बताइए। तो उस पैटर्न में सर इंग्लिश, आप इंग्लिश तो यही कहेंगे सर कि इंग्लिश ज्यादा ज्यादा आप कोशिश करें मैथ और मैकेनिक्स बनाने का, क्योंकि सर नंबर तो उसी से, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग होती है सर, इंग्लिश तो सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, नंबर बेस, नंबर यदि मेरिट बनाना है, अच्छा मेरिट बनाना, 100 के अंदर रैंक रहना, तो उसी उसके लिए तो मैकेनिक्स और मैथ दोनों कंपलसरी चाहिए, यदि दोनों में से कोई भी एक भी बहुत अच्छे तरह से मजबूत है, बहुत बहुत अच्छा पकड़ बना हुए है जैसे मैकेनिक्स पर ही, तो अच्छा नंबर सर। लेकिन हाँ ये हमारे अंदाज से कोई दोनों बोलिए, जी सर, कुछ बता रहे थे दोनों। दोनों ये हम बोल रहे थे सर कि मतलब कि इंग्लिश, इंग्लिश तो कंपलसरी है सर, इंग्लिश में तो पास होना अनिवार्य है सर, अब बाकी रहा मैथ या मैकेनिक्स, दोनों में से कोई एक पर भी अच्छे से पकड़ हो जाए, बहुत अच्छे से पकड़ हो जाता, अच्छा स्कोरिंग कर सकता है सर कोई। तो आपके अनुसार कौन कौन सा ऐसा टॉपिक्स है जिसको अच्छा करना चाहिए लास्ट 30 दिन में? अच्छा फिर ये है सर, फ्रिक्शन से रिलेटेड है सर, फ्रिक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं सर, फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन मैकेनिक्स में हो गया, तो मैकेनिक्स में तो सारे सारे टॉपिक सब क्लियर है सर, मतलब सारे टॉपिक तो अच्छे ही है सर। नहीं, कई सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हाँ मैकेनिक्स में ये टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उसके लिए तो सर मेहनत और क्या सर, उसके लिए तो बनाना पड़ेगा ना सर, क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगी। यानी उसके लिए प्रैक्टिस उनको करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और जी सर, टाइम तो रास्ता है ना नहीं। सर, टाइम तो बहुत ना मिल रहा है सर, अभी एग्जाम के बाद बहुत अच्छा खासा टाइम भी मिल रहा है सर। बिल्कुल, इस बार टाइम दिया जा रहा है। इसी तरीके जी अगर हर सर, बार सेमेस्टर एग्जाम और लेटरल एंट्री एग्जाम के बीच में अगर टाइम मिल जाए तो लोगों को टेंशन ही नहीं रहेगा कि सेमेस्टर एग्जाम से पहले फोकस करना है कि पहले लेटरल एंट्री। ओके, तो कॉलेज में आपके जो भी सीनियर्स होंगे या जो भी आपके टीचर्स होंगे उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसा है? बहुत अच्छा सर, सब मतलब कि हम लोग, हम मैकेनिकल से हैं सर, तो वहां से टीचर हैं सर, मनीष सर हैं, जीसी अरवल में मनीष सर हैं, चाहे फिर एचओडी हैं, सब मतलब बहुत अच्छे अच्छे हैं। अभी तो सर सरकारी वहां सिर्फ एक ही दो टीचर आए हैं हम लोग के ब्रांच में,
बाकी तो सब गेस्ट फैकल्टी हैं, लेकिन सर बहुत अच्छे अच्छे हैं। कोई एनआईटी जमशेदपुर, कोई एनआईटी पटना से, कोई एनआईटी सब, मतलब एनआईटीएन है सर, अधिकतर सभी एनआईटीएन ही टीचर हैं जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में आए हैं। और सीनियर का बिहेवियर जूनियर के साथ? बहुत बढ़िया सर, आते हैं सर, बढ़िया सीनियर लोग क्लास में आते हैं, सबसे पूछते हैं कि कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई। चलिए ठीक है, तो आप टाइम निकाल कर यहाँ पे आए, उसके लिए थैंक यू।